ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में बड़े उपलब्धि पाए है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव आवास निर्माण के क्षेत्र में बने काम करे बर दिन इनाम। मुख्यमंत्री आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बोरिया खुर्द में 167 करोड़ रूपया के आने आने विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे के संग कमल विहार के नाव कौशल्या विहार करे के करीन घोषणा। और आज विश्व मलेरिया दिवस है, प्रदेश में मलेरिया मुक्त अभियान करेगे है शुरू। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में बड़े उपलब्धि पाए है। नई दिल्ली में राखे गये कार्यक्रम में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी छत्तीसगढ़ ला आवास निर्माण के क्षेत्र में बने काम करे बर इनाम दिन। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली के 53वां स्थापना दिवस के मौका में राखे गये समारोह में ये इनाम देगी से जोनला राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ रंजन चौबे हली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये उपलब्धि खातिर उत्साह जतात कहीं कि राज्य सरकार जम्मू हितग्राही मल्ला आवास योजना के फायदा देवाय बर तैयार हवाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राज्य ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बोरिया खुर्द में 167 करोड़ रूपया के आने आने विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करी। ये मौका में मुख्यमंत्री कमल विहार के नाव कौशल्या विहार और अमलीडी स्थित महाविद्यालय के नाव कौशल्या माता के नाव में करे के घोषणा करी है। उन्हें मुख्यमंत्री बीरगांव में आईटीआई खोले शासकीय मिडिल स्कूल रामा भाटा और सोनडोंगरी के हाई स्कूल में बढ़वार के संगे संग रायपुर नगर निगम के वार्ड 4 में नवा बने सरकारी स्कूल गंगानगर भनपुरी के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बढ़वार करे समेत कतकोन आने घोषणा करी है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नगर पंचायत माना कैंप में जल आवर्धन योजना के भूमि पूजन करी। ये योजना ले माना कैंप के 3000 ले ज्यादा घर में पीए के साफ पानी पहुंची। ये मौका में मुख्यमंत्री माना कैंप में खुलैया नवा महाविद्यालय के नाव प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महाविद्यालय करे के घलो घोषणा करी है। गर्मी के मौसम ला देखत मुख्य सचिव अमिताभ जैन हैंडपंप संधारण और पेयजल स्रोत ला शुद्ध करे बर अभियान चलाए के निर्देश दिन है। उमन किहिन की पीए के पानी के समस्या वाले गांव में नलकूप खोदे राइजर पाइप बढ़ाए और नलकूप के मरम्मत करे के काम प्राथमिकता ले करे जाए। मुख्य सचिव आज मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी मन के बैठक लीन। उमन किहिन की पीए के पानी के आपूर्ति के संबंध में जल्दी कार्य योजना तैयार करे के संगे संग मौसमी बीमारी ले रोकथाम बर व्यवस्था करे जाए। हमन यहू कहीं कि ये काम में ग्राम पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मदद ले जाए। मुख्य सचिव पीए के पानी के स्रोत में क्लोरीन और तीर तखार साफ सफाई रखे बर विशेष अभियान चलाए के निर्देश दिन। संगे संग स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मल्ला पानी ले होवैया बीमारी के बचाव बर दवाई के भंडारण और जागरूकता अभियान चलाए बर कहीन है। श्री जैन अधिकारी मल्ला जलाशय के मॉनिटरिंग करे और जरूरत पड़े मां क्षेत्र के तरिया मां पानी छोड़े के व्यवस्था करे के निर्देश दिन। रायपुर जिला के चंदखुरी में चलत 3 दिन ले माता कौशल्या महोत्सव के काली समापन हुई। ये महोत्सव महिला सशक्तिकरण के थीम में आधारित रही। समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संगरी ये बेरा मां अमन माता कौशल्या धाम में पर्यटक मन के सुविधा खातिर टूरिज्म कैफे के लोकार्पण करी। यहां छत्तीसगढ़ी व्यंजन समेत मिलेट्स ले तैयार करेगे खाए पिए के जिनिस मिली। महोत्सव में मुख्यमंत्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ में चंदखुरी के कौशल्या धाम परिसर में 9,88,00,000 रूपया के लागत ले तैयार वाटर लेजर लाइट और साउंड शो के शुरूआत करी। एकर लिए श्रद्धालु भगवान श्री राम के वनवास और वनगमन की कहनी सुन और देख सकी। 3 दिन तक चले माता कौशल्या महोत्सव में छत्तीसगढ़ समेत देश भर के कलाकार मन अपन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। अब आगो बढ़वो बाची समाचार को थी। अब सुनो आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात में आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी के विषय हरे बाल मन की झलक। लोग आवाज और सीधा संवाद यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ,
ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 85वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की वो राय, जिसमें उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में आई बच्चों की प्रतिक्रियाओं पर उम्मीद जताई थी। मन की बात कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री को सीधे और आकाशवाणी को भी ढेरों प्रतिक्रियाएं आती रही हैं। दिसंबर 2021 तक करीब 1 करोड़ बच्चों ने प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड के जरिए प्रतिक्रियाएं भेजी थी। उन प्रतिक्रियाओं को पढ़कर प्रधानमंत्री बेहद उत्साहित हुए। 30 जनवरी 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बच्चों की राय को बहुत तवज्जो दी। उनका कहना था कि बच्चों की प्रतिक्रियाओं से साफ है कि भारत का बच्चा अपने समाज के प्रति बहुत संवेदनशील है। ये संजीदापन इस तथ्य को जाहिर करता है कि भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। मेरे प्यारे देशवासियों, अमृत महोत्सव पर आप सब साथी मुझे ढेरों पत्र और मैसेज भेजते हैं, कई सुझाव भी देते हैं। इसी श्रृंखला में कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे लिए अविस्मरणीय है। मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। समय निकालकर इनमें से काफी पोस्टकार्ड को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। इन पोस्टकार्ड में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। आज विश्व मलेरिया दिवस है। एसओ के विषय है मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन, निवेश, नवाचार, कार्यान्वयन। छत्तीसगढ़ में घलो प्रदेश ला मलेरिया, एनीमिया और कुपोषण ले मुक्त कराए बर और शिशु महतारी मृत्यु दर में कमी लाए खातिर मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान शुरू करेगी है। ये अभियान में अभी तक करीबन 151 लाख लोगों के मलेरिया के जांच हुई है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के 6वां स्थापना दिवस के मौका में आज रायपुर के सुभाष स्टेडियम में बिहनिया 6 से 7 बजे तक एक दिवसीय सामूहिक विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम रखेगी। इमा करीबन 1500 लोगन संगरी और सामूहिक योगाभ्यास करें। इमा लोगन ला स्वस्थ जीवन शैली और योग को ती जागरूक करे बर जागरूकता रैली निकालेगी, जो शहर के आने आने रद्दा ले होत सुभाष स्टेडियम पहुंची। कार्यक्रम में योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, विधायक सत्यनारायण शर्मा और महापौर एजाज ढेबर समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहीन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस में छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्था समुदाय आधारित संगठन अभिसरण PRICBO कन्वर्जेंस परियोजना के शुरुआत करेगी। इमा गांव में आजीविका के मौका बढ़ाए बर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सामुदायिक संगठन और ग्राम पंचायत के मिशन में बनाए गए स्व सहायता समूह ला उद्यमशील बनाई जाएगी। ये परियोजना बस्तर और रायपुर जिला के 4-4 विकासखंड के कुल 200 ग्राम पंचायत में चलाई जाएगी। ये परियोजना बस्तर जिला के बकावन, बास्ताना, लोहंडीगुड़ा और तोकापाल विकासखंड और रायपुर जिला के अभनपुर, आरंग, धरसीमा और तिल्दा विकासखंड में चलाई जाएगी। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में बड़े उपलब्धि पाए है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव आवास निर्माण के क्षेत्र में बने काम करे बर दिन इनाम। मुख्यमंत्री है आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बोरिया खुर्द में 167 करोड़ रूपया के आने आने विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे के संग कमल विहार के नाव कौशल्य विहार करे के करीन घोषणा। और आज विश्व मलेरिया दिवस है। प्रदेश में मलेरिया मुक्त अभियान करेंगे है शुरू। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।